हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शमीम व्लॉग वीडियोस में। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं यहाँ पर आया हूँ संजय गांधी नेशनल पार्क में। इस लोकेशन को मैं एक बार पहले भी दिखा चुका हूँ आपको, जो कि मैंने आपको जवानी की रेल कहीं छूट न जाए उस मूवी की पूरी फिल्म का सॉन्ग की मूवी की शूटिंग लोकेशन दिखाई थी। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको दिखाने आया हूँ दूसरी मूवी की शूटिंग लोकेशन। उस मूवी का नाम है परदेसी बाबू, जिसमें काम किया था गोविंदा सर ने, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, सतीश कौशिक, दीपक काजिर, तो और भी बहुत सारे एक्टर थे इसमें दोस्तों। तो उस मूवी में, मूवी तो मैंने देखी है, बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों। उस मूवी के बहुत सारे सीन इस स्टेशन पर रिकॉर्ड किए गए थे। कुछ मूवी का सीन मैं आपको बता दूँ मूवी के पॉइंट पाने के लिए। तो एक दीपक काजिर जो होता है वो बहुत अमीर होता है, वो एक स्टेशन पर आता है जो कि मुंबई CST का वो सीन था दोस्तों। वहाँ पर तो मैं भी नहीं जा सकता, तो वहाँ पर वो बैग रख कर जैसे भूल जाते हैं तो चोर चोरी करके भाग जाता है और वो बैग मिल जाता है गोविंदा सर को, और गोविंदा सर बहुत अमीर आदमी बन जाते हैं। तो उसके बाद गोविंदा सर एक अपनी फैक्ट्री खोल लेते हैं चाय पत्ती की, जो चाय में डलती है दोस्तों, उसकी फैक्ट्री खोल लेते हैं। उसको हैंडल करते हैं सतीश कौशिक। तो अब उसके बाद सतीश कौशिक गोविंदा सर को बुलाते हैं कि आप आ जाइए यहाँ को, थोड़ा मेंटेन करिए, देखिए कैसे करना है। तो उसके बाद जब वो गोविंदा सर आते हैं ना, वो इस स्टेशन पर आते हैं और यहाँ पर वो सीन रिकॉर्ड किए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे के स्क्रीन शॉट दिखाने से पहले, बताने से पहले, मैं चाहूँगा कि आप वो क्लिप एक बार देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ की लोकेशन, वो मूवी, वो पुराने दिन याद आ जाए। और उसके बाद फिर मैं आपको वन बाई करके स्क्रीन शॉट से मैच कराऊँगा दोस्तों। दोस्तों आपने ये क्लिप देख ली है और उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी भी याद आ गई होगी और ये लोकेशन भी आप शायद अब अच्छे से समझ पाओगे दोस्तों। मैं आपको बता दूँ परदेसी बाबू मूवी में 1 घंटा 1 मिनट की जो मूवी हो पूरी हो जाती है, तो उसके बाद ये सीन यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए थे दोस्तों। दोस्तों सीन कुछ इस तरीके से है कि ट्रेन आती है इस साइड से, ट्रेन जब इस साइड से आती है तो आपको यहाँ पर गोविंदा सर उतर जाते हैं, बैग यहाँ पर रख देते हैं, और उसके बाद एक कुली आता है इधर की साइड से निकल कर, इधर से साइड से निकल कर आता है, उनसे बात करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे यहीं पर ही क्यों बात कर रहे थे समीम भाई, तो कुछ भी बोल रहे उल्टा सीधा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर बात करते हैं तो आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हो दोस्तों। पीछे बैकग्राउंड के उनके लिखा हुआ है कृष्णागिरी, ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। वन एक स्क्रीन शॉट और वन पॉइंट आप नोट कर सकते हो। दूसरी बात आप नोट कर सकते हो इस दीवार को, ये दीवार उस टाइम भी ऐसी थी, इस टाइम भी ऐसी है, लेकिन अभी यहाँ पर 2-3 महीने से आपको पता ही है बरसात बहुत ज़्यादा चल रही है मुंबई में, तो यहाँ पर थोड़ी काई जम गई है दोस्तों। लेकिन दीवार आज भी वही है, वही हॉल, वही डिज़ाइन, वही लुक, सब मैच कर सकते हो। दो पॉइंट, दो स्क्रीन शॉट आप मैच कर सकते हो। तीसरी बात, कुली जब वहाँ से आता है तो उनसे बात करता है, साहब मैं आपका सामान उठाऊँ, फिर उधर से दूसरा कुली आता है, तो साहब मैं आप ए चल तू जा, मैं सामान उठाऊँगा। वो बोलता है ठीक है साहब, किस वो बोल रहे हैं गोविंदा सर पूछते हैं कितने पैसे हुए, वो बोलते हैं 15 रुपये, बोलते हैं 15 नहीं मैं आपको 50 रुपये दूंगा। वो बोलते हैं गोविंदा सर बोलते हैं, वो बोलते हैं मतलब गोविंदा सर उससे बोलते हैं कि ठीक है, वो खुश हो जाता है 50 रुपये का नाम सुन के। फिर वो बोलते हैं ठीक है, गोविंदा सर बोलते हैं उनके बाद कि आपकी एज बहुत ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा लोड नहीं उठाया जाएगा, आप छोटा वाला बैग उठाइए, मैं बड़ा उठाता हूँ। तो कुली बोलता है कि सब आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो गोविंदा की जो बात है वो दिल को छू जाती है। वो बोलते हैं कपड़े गंदे होंगे चलेगा, लेकिन ख़राब बोल दो या ख़राब हो जाए, गंदे हो जाएंगे तो चलेगा, आदत ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद वो चल देते हैं यहाँ से। चलने के बाद स्क्रीनशॉट से तीसरा पॉइंट मैच कर सकते हो। जब वो यहाँ से चलते हैं ना दोस्तों, ये ट्रेन जो टॉय ट्रेन की ये पटरी आप देख रहे हो, ये दो पटरी आप देखने को मिल रही होगी, एक ट्रेन ये पटरी है, एक दूसरी पटरी वहाँ से आपको देखने के लिए मिल रही होगी। उसके बाद थोड़ी सी आगे जाकर जहाँ पर ये पब्लिक के लिए थोड़ी सी पब्लिक आ रही है वहाँ से, तो उसके बैकग्राउंड में आपको एक छोटा सा जाल दिख रहा होगा, जहाँ पर जैसे शेर वेर को बंद कर देते हैं ना, ऐसे बहुत बड़ा जाल बनाया गया है। हो रहा है फोकस वहाँ तक? तो उससे आप स्क्रीनशॉट से मैच कर सकते हो दोस्तों। तीन पॉइंट आपको मैच करा दिए दोस्तों। उसके बाद फिर वो बैग उठाते हैं और आगे चल देते हैं। उसके बाद जब वो थोड़ी सी आगे जाते हैं दोस्तों, बात करते रहते हैं वो, तो बात करने के बाद थोड़ी सी आगे आने के बाद आप इस चीज़ से मैच कर सकते हो दोस्तों। ये जो स्टेशन का पूरा सेटअप है ना, ये जो आप पिलर देख रहे हो, इस पिलर से आप मैच कर सकते हो दोस्तों।
ये मूवी आई थी सन 1998 में और अब चल रहा है सन 2023। इस हिसाब से लगभग मूवी को हो चुके हैं 35 साल। तो 35 साल में काफ़ी चीज़ यहाँ पे चेंजिंग हो चुकी है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये जो पिलर आप देख रहे हो ना मूवी में, ये पिलर आपको दिख रहे होंगे ब्लू कलर के, लेकिन इस टाइम ये है ब्राउन कलर के। बस थोड़ा सा इस कलर का चेंज हुआ है दोस्तों, डिज़ाइन आज भी वही है। थोड़ा सा और पीछे जाऊँ और ये इस वाले पिलर को दिखाओ, ये पिलर थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ये डिज़ाइन इस तरीके से गया और इस तरीके से गया, आप वीडियो में मैच कर सकते हो। दोस्तों मैं भी, मेरे हाथ में जो मोबाइल है इसमें मैं मूवी चला रख के देख रहा हूँ और वन बाय वन स्क्रीन शॉट से मैच करा रहा हूँ आपको, ताकि मैं आपको अच्छी जगह, अच्छी लोकेशन और सही करेक्ट लोकेशन दिखा पाऊँ दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद फिर वो जो कूली रहता है वो बोलता है, साहब जी मैं आपसे एक बात कहूँ। वो बोलता है, जी बताइए क्या बात है, कि आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। वो बोलता है, अरे ये क्या बात हुई। अरे नहीं साहब, मैं आपको बहुत सारा भेज दूंगा, ये स्टेशन भेज दूंगा जहाँ से आए हो वो वाला स्टेशन भी भेज दूंगा। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा कैमरा एंगल कुछ ऐसा रहता है कि थोड़ा सा पीछे जाता है, तो पीछे चलते हैं अपने कैमरा मैन को लेके। चलिए चलिए चलिए। तो उसके बाद कुछ सीन जो है दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो वहाँ पर खड़े होते हैं टीटी। तो दोस्तों बस 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 उसके बाद जो सीन रिकॉर्ड किए जाते हैं दोस्तों वो यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। अरे कहाँ भाग गया। तो दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये टीटी वहाँ पर खड़ा होता है और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये रेलिंग वेलिंग यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर खड़े होते हैं। तो वो बोलता है टीटी, जो टीटी होता है वो बोलता है, अरे शादी, ये कुली जो है थोड़ा मेंटल है, इनकी बेटी की शादी होने वाली थी लेकिन वो नहीं हुई, तो ये थोड़ा सा दिमाग इनका चल चुका। तो उसके बाद वो टीटी जो है वो उनको समझाता है कि साहब जी इनका थोड़ा दिमाग चला हुआ है, इनकी बेटी की शादी होने वाली थी, ऐसा कुछ बोल के उनको बता देता है। और फिर गोविंदा उन पैसे निकालते हैं और उनके देते हैं, इनको दे देना इनके काम आ जाएंगे। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर ये रेलिंग, यहाँ का स्ट्रक्चर, वहाँ पर बैकग्राउंड में हल्का सा एक झलक दिखाई गई है, तो आप बैकग्राउंड में वो विंडो भी देख सकते हो जहाँ पर ये टिकट वगैरह लिए जाते हैं। टॉय ट्रेन का जो टिकट लिया जाता है वो यहीं से लिया जाता है, अभी तो फिलहाल टॉय ट्रेन बंद है दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं पीछे की तरफ। दोस्तों आज मैंने आपको दिखाई है परदेसी बाबू की मूवी की शूटिंग लोकेशन, जो कि अब से 35 साल पहले वो जो मूवी के सीन रिकॉर्ड किए गए थे वो यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए थे दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपने वो मूवी देखी होगी, और देखी होगी तो आपको ये लोकेशन समझ में आ गई होगी। और अगर वो मूवी देखी है आपने तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और वो मूवी कैसी लगी आपको वो भी कमेंट करके बताएं, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी वो लाइक करके बताएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये लोकेशन, ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो लोकेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं बहुत जल्दी नई लोकेशन और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, लव यू एवरीबडी, थैंक यू।